दोस्तों बात करने वाले जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देखिए जियो फाइनेंशियल के अंदर अभी के टाइम दोस्तों बैक टू बैक फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जो स्टॉक दोस्तों 400 रुपए अराउंड 200 यहाँ पे 300 सॉरी जो 400 रुपए है उसके लेवल के आसपास चला गया था, वो अगेन हमें 350 रुपए के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से अगर आज की क्लोजिंग देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे 356 रुपए के आसपास हमें देखने को मिली, 3.5% आज फिर ये गिरा है। आज की गिरावट के पीछे वजह टोटली मार्केट में दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक गिरे हैं। तो अभी के टाइम देखिए मार्केट पे प्रेशर है इलेक्शन का, एंड इलेक्शन की वजह से मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में जा रहा है। एंड यहाँ पे जो स्टॉक हाल ही के अंदर बढ़िया रैली दिखा है जैसा कि जियो फाइनेंशियल को आप ले लीजिए, हाल ही के अंदर लगभग दोस्तों कम से कम स्टॉक 60-70% तक यहाँ पे भागा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रहेगी क्योंकि इलेक्शन का दबाव है। इलेक्शन से पहले एफआईडीआई यहाँ पे ज्यादा खरीदारी करने वाले नहीं है, जिन स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है उनमें थोड़ी सी होल्डिंग कम करेंगे। तो यहाँ से जो आपका जियो फाइनेंशियल है इसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी के टाइम दिख सकती है। एंड यहाँ पे आगे क्या होगा, क्या 320 या 200-300 के आसपास जाएगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड अभी के टाइम देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, जैसा कि आप देखेंगे वॉल्यूम स्टॉक की 3 करोड़ के आसपास रही है। एंड जो डिलीवरी का डाटा है वो जबरदस्त है, 56% माल यहाँ पे खरीदा गया है जो की एक जबरदस्त डाटा है, डिमांड दर्शा रहा है कि डिमांड हाई लेवल की भी के टाइम नजर आ रही है, तो डाटा यहाँ से पॉजिटिव है। एंड अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों आगे क्या होगा, तो जो मेन चीज एमओ है, एमओबी के टाइम देखो इतनी गिरावट हो गई, इतनी सेलिंग आई बाइंग आई, बट एमओबी के टाइम पॉजिटिव 7-7.5 हजार शेयरों के साथ, तो डाटा शानदार है, जल्दबाजी नहीं करना है। एंड यहाँ से अगर आप डिलीवरी का डाटा यहाँ पे जो इंट्राडे का डाटा देखोगे वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। क्या हुआ, गिरावट हुई फिर स्टेबल, पहले सेलिंग आई फिर लोगों ने माल खरीदा, फिर यहाँ से हमें वापस से थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ देखने को मिला। तो अगर कहें दोस्तों की इलेक्शन के बाद क्या होगा, तो चांस यही रहेगा कि जो आपका जियो फाइनेंशियल है भाई इसके तो फ्यूचर ब्राइट है। इसमें तो यही है कि जो गिरावट होती है सब शॉर्ट टर्म बेसिस होती है, लॉन्ग टर्म इसको जाना ऊपर है क्योंकि बिजनेस कंपनी का जबरदस्त है। एंड जब तक रिलायंस जिंदाबाद तब तक इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिलायंस की जो यहाँ पे वेल्थ है आने वाले टाइम में ये मैनेज करेगा। तो टोटली यहाँ पे अगर हम कहें कि आने वाले टाइम में ये 500 का लेवल भी छुएगा 1000 का लेवल भी छुएगा तो ये गलत नहीं होने वाला, ये सही है क्योंकि कंपनी ने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, कंपनी भी जस्ट अभी लिस्ट हुई है, काम अब स्टार्ट करेगी, तो ये चीजें हैं। तो अभी के टाइम बड़ी वोलेटिलिटी थोड़ी सी दिख रही है, बट इसको हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। एंड ये एक अपॉर्चुनिटी भी इलेक्शन से पहले, क्योंकि यहाँ पे बड़ी तेजी के संकेत खुले देखने को मिल रहे हैं। डिलीवरी जो है वो हाई लेवल की, देख लीजिए यहाँ पे 56% माल आज खरीदा गया है, तो बोल डाटा बड़ा है यहाँ पे 57%, क्योंकि अगर देखो 1 करोड़ शेयर किसने बेचा तो उसमें से 57 लाख शेयर खरीदना कितनी बड़ी बात है, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो अगर यहाँ से कहें कि आज टोटल वॉल्यूम में से दोस्तों कम से कम मान के चलो आप दोस्तों कि 1.5 करोड़ शेयर यहाँ पे बाय किए गए, तो इन्वेस्टमेंट कितना लगा, कम से कम 600 करोड़, 600 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट आज हमें दिखी है, तब जाके ये जो इस गिरावट में 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आना बहुत बड़ी बात है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, डाटा पॉजिटिव एंड टेक्निकली व्यू के हिसाब से अगर हम समझे कि आगे क्या होगा। देखिए अभी के टाइम दोस्तों अगर जियो फाइनेंशियल का डाटा देखें यहाँ पे कि आगे क्या होगा, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देखो मार्केट गिरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट का डाटा है, यूएस मार्केट अभी के टाइम पॉजिटिव है, बट इंडियन मार्केट के अंदर इलेक्शन की वजह से हमें क्या दिख रहा है, प्रेशर। इस प्रेशर का फुल फायदा हमें उठाना है एंड यहाँ से हमें अच्छे से स्टॉक को पिक करना है, ठीक है। अपना मार्केट वोलेटिलिटी में गया हुआ, एंड यहाँ से आप डाटा देखेंगे दोस्तों जो जियो फाइनेंस का रहेगा शॉर्ट टर्म डाटा, देखिए मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे हमें गिरावट में जाता हुआ देखने को मिला, इसके पीछे वजह टोटली मार्केट जो इलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर जियो फाइनेंस के डाटा हम समझे कि आगे क्या होगा, 4% की आज गिरावट, 356 पे स्टॉक क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आरएसआई है 44 का है एंड करंटली स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा देखो यहाँ पे हायर लेवल पे जो मेन सपोर्ट था स्टॉक का 370 का वो आज टूटता हुआ देखने को मिला एंड 356 पे आज ही आ चुका है 4% की गिरावट के साथ। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ से कंटिन्यू भाग रहा था अब गिर रहा है, अब यहाँ से क्या दोस्तों गिरावट होगी, बड़ी गिरावट दिखाएगा या यहाँ से मैं दोस्तों इस गिरावट के आगे रिवर्सल दे दे, क्योंकि पहले भी ये गिर चुका है, सस्टेंस होकर गिर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई आगे क्या होगा, क्योंकि जब जब सस्टेंस होकर गिरता है तो फिर थोड़ी सी वोलेटिलिटी बिकवाली वो नजर आती है। तो अभी के टाइम आप दोस्तों 340 रुपए के सपोर्ट लेवल के साथ यहाँ पे बने रह सकते हो, जो कि आपका एक स्टॉप लॉस भी रहेगा, ठीक है ना। तो इन लेवल्स का ध्यान रखें एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म वालों को तो ये कि आप हर एक रेंज में अभी के टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, आने वाले टाइम में भले ही ये नीचे आ जाए बट जाएगा तो ये ऊपर ही, क्योंकि कंपनी बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, एंड सबसे मेन चीज की वर्ल्ड वाइज यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइज जो बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके साथ कंपनी की पार्टनरशिप है, तो आप वो ऐसे हर किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं करते हैं जिसमें ग्रोथ है उसी के साथ करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में ग्रोथ तो है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया है, तो समझदारी से काम लें एंड अभी के टाइम गलती ना करें, ठीक है ना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी ताकि